हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के एमसीक्यू। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया है, इसकी बैक एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक की थी वो भी कर लिया है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप बच्चों आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझा है तो आप जो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ और उस पर 6 क्लास साइंस निकाल के आप पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आज जो हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं बच्चे, इसमें आपने क्या करना है, अगर आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको ऑप्शंस बताऊंगी, उससे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके चैप्टर का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपके आंसर सही नहीं जा रहे हैं, तो आपने सबसे पहले फिर से जाके चैप्टर को समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर होता क्या है ये पहले पता होना चाहिए। जो ह्यूमन बींग के द्वारा बनाओ, केमिकल से बनाओ, उसे क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फाइबर कौन कौन से हैं, नायलॉन, बी रेयॉन, सी पॉलिस्टर, डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो ये सारे जो हैं वो किसके बने हुए हैं, सिंथेटिक फाइबर, ये सारे केमिकल के बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ए नेचुरल फाइबर। इसमें नेचुरल फाइबर कौन सा है, नेचुरल फाइबर मीन्स जो हमें प्लांट से मिल रहा है और एनिमल से मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। तो ऑप्शन ए सिल्क, सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से, नायलॉन तो केमिकल से बनता है, रेयॉन भी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो गया, अगर हम नेचुरल फाइबर को चूज करें तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द क्लॉथ आर मेड अप ऑफ द थिनर एंड थिनर स्ट्रेंड। मतलब जो भी कपड़ा होता है ना, उसका सबसे छोटा, जो सबसे छोटी स्ट्रेंड क्या होती है, वो क्या होती है। तो सबसे पहले जब कपड़ा बनता है ना, उसके पहले हमें पता सबसे छोटा क्या होता है, फाइबर। उसके बाद क्या बनता है, यार्न, और यार्न के बाद क्या बनता है, फैब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ए यार्न, बी थ्रेड, सी फाइबर, डी फैब्रिक। तो अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, फाइबर, फाइबर से फिर क्या बनता है, क्या बनता है, यार्न, फिर यार्न से क्या बनता है, फैब्रिक, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेशन ऑफ द ऑफ फाइबर ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोन एज। फाइबर को, कॉटन के फाइबर को सीड से, जो सीड होता है ना कॉटन का, उसमें से कॉटन फाइबर को अलग करना क्या होता है, क्या कहते हैं हम उसे, ए वीविंग, बी स्पिनिंग, सी नीटिंग, डी गिनिंग। तो इसमें से राइट आंसर है आपका गिनिंग, एक मिनट, गिनिंग, ठीक है। अब गिनिंग क्या होता है, देखो बच्चों, ये जो कॉटन के सीड्स होते हैं ना, इसमें यहाँ पर ऐसे 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 ना कॉटन लगे होते हैं, तो ऐसे कॉम्ब जैसे एक होती है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इससे क्या किया जाता था पहले के टाइम में, इसमें से सीड को अलग कर देते थे और कॉटन को अलग कर देते थे। अब के टाइम में तो मशीनों से काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जूट फाइबर आर ऑब्टेंड फ्रॉम। जूट फाइबर कहाँ से ऑब्टेंड होता है, स्टेम ऑफ जूट प्लांट, बी सीड ऑफ जूट प्लांट, फ्रूट कवरिंग ऑफ जूट प्लांट, रूट ऑफ जूट प्लांट। तो हमें पता है, हमने चैप्टर में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट के स्टेम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ यार्न यूज टू मेक फाइबर फैब्रिक बाय वेविंग एंड निटिंग। जब फैब्रिक बनता है ना, तो वेविंग होते हैं निटिंग, ठीक है, दो प्रोसेस बोली हुई है। वेविंग मशीन्स के द्वारा जब जो यार्न होते हैं ना, उसको कुछ ऐसे सेट किया जाता है, ठीक है। और निटिंग जो होती है ना, आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा, सिलाई से एक ऊन का गोला ले लेते हैं और उससे वो कपड़े बुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमें बताना है कितने नंबर ऑफ यार्न फैब्रिक को बनाने में यूज़ किया जाता है, वेविंग में और निटिंग में। 2 सेट्स ऑफ यार्न इन ईच केस, दोनों केस में 2 यार्न होते हैं, नहीं। बी सिंगल यार्न इन ईच केस, दोनों केस में एक एक यार्न होते हैं, नहीं, ये भी गलत है।
सी टू सेट्स ऑफ यार्न इन वेविंग और सिंगल इन नीटिंग। ये राइट लग रहा है कि दो सेट यार्न जो होते हैं वेविंग में और सिंगल यार्न किस में होता है नीटिंग में। एंड डी सिंगल यार्न इन वेविंग एंड टू सेट्स ऑफ नीटिंग, ये तो रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन, वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इज, जो फैब्रिक का वेविंग होता है वो कैसे डन होता है, कैसे कंप्लीट होता है। तो ए हैंडलूम से, बी पावरलूम से, सी बॉथ ए एंड बी, एंड डी टकली। तो राइट आंसर इसमें क्या है, हाथों से भी होता है और पावरलूम से भी, मशीनों से भी होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी। राइट आंसर सी, बॉथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच वन इज स्पिनिंग डिवाइस, इसमें से स्पिनिंग डिवाइस क्या है, कौन सा है। ठीक है, तो ए तकली, बी लूम, सी चरखा, डी बॉथ ए एंड सी। अगर हम चैप्टर के कॉन्सेप्ट को देखें तो हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा हुआ है, एक तकली पढ़ा हुआ था और एक चरखा पढ़ा हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के टाइम में तकली और चरखा, तो बॉथ क्या हो जाएगा, ए एंड सी। तो राइट आंसर बॉथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट फाइबर, इसमें से प्लांट फाइबर कौन सा है। ए वूल, वूल तो एनिमल से मिलता है। बी सिल्क, सिल्क भी सिल्क वॉर्म से मिलता है। सी कॉटन, कॉटन तो प्लांट से मिलता है। डी नायलॉन, तो केमिकल से बनता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन हमें पूछा है कि प्लांट फाइबर, तो प्लांट फाइबर हमारा क्या है इसमें, कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द राइट टाइम टू कट जूट प्लांट, जूट प्लांट का राइट टाइम कट का क्या होता है, कि वो उसको छोटे में ही काट लेते हैं, बड़े होने पे काटते हैं, फ्लावरिंग आ जाती तो काटते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए मैच्योर स्टेज, जब वो अपनी मैच्योर स्टेज पे होता है, मीन्स बड़ा हो चुका होता है। बी बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, मतलब फ्लावर आने से पहले। फ्लावरिंग स्टेज मतलब जब उसमें फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं, फ्लावर आते रहते हैं उस टाइम। डी एनी टाइम आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के टाइम कभी भी। तो राइट आंसर क्या है, फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको MCQ अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक फटाफट पहुँच जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।